या जो भी है वो सब करो। फिर आया कलयुग। कलयुग में भगवान ने देखा कि सबसे पहले कलयुग का जीव मंद बुद्धि है और उसकी आयु भी कम है। आयु कम होने के कारण उसका शरीर भी ज्यादा साल तक नहीं चल सकता, उसका शरीर भी क्षीण है। तो सतयुग में जो धर्म था तपस्या, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल जैसी चीज है कलयुग के जीव के लिए। यहाँ पर जंगल ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे, अगर जंगल मिल भी गए तो जानवर, खूंखार जानवर, और वातावरण इतना प्रतिकूल है कि हम कहीं पे जाके तपस्या कर ही नहीं सकते। सतयुग का धर्म कलयुग के जीव के लिए बिल्कुल मना हो गया कि वो करने लायक ही नहीं है। फिर द्वापर युग, द्वापर त्रेता युग, त्रेता युग के यज्ञ करते थे। आजकल के समय में आप देख सकते हो कोई भी ब्राह्मण इतना शिक्षित, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, और दूसरा उसकी भावना इतनी शुद्ध नहीं है कि आपको वो भगवान के से जोड़ दे। आजकल ज़्यादातर ब्राह्मणों का यही है कि वो जो यज्ञ करवा रहा है वो दान कितना दे रहा है उसके हिसाब से आजकल यज्ञ हो रहे हैं। दूसरा, कलयुग के जीवों के पास पैसा भी इतना अधिक नहीं होता कि रोज रोज हम यज्ञ कर सकें। तीसरा, यहाँ के शुद्ध घी ढूंढना बहुत मुश्किल है, सामग्री और बाकी चीज़ें तो है। शुद्ध घी, जो दूध घी जो सबसे बेसिक चीज़ है यज्ञ की, वो ही नहीं करते कलयुग के लिए। फिर जो द्वापर युग में अच्छा विग्रह सेवा आई, उसके लिए हम इतने निकृष्ट हो जी मतलब हो गए हैं कलयुग के, कि शुद्धता अशुद्धता क्या है हम भूल ही गए हैं। हम लोग सारा दिन झूठे हाथ, हमें झूठा सच्चा ही भूल गया है। पहले क्या होता था, जमीन पे बैठ के खाना खाना, खाने खाने के बाद पोछा लगाना, अब क्या है हम चलते फिरते खाते हैं, लेके चलते ना, हम रोल लेके चलते फिरते, आजकल बच्चे बर्गर लेके चलना, पिज्ज़ा लेके चलना, और कहीं भी बैठ के खाना, बिस्तर पे बैठ के खाना, बिस्तर पे बैठ के हमने खा लिया, उसमें इतने आपके भोजन में भी अशुद्धि आई, और वो बिस्तर वापस बैठोगे सारे आप अशुद्ध हो गए। मतलब शुद्धता अशुद्धता किसी को पता ही नहीं है। तो अच्छा विग्रह की सेवा करने के लायक भी हम नहीं रहे, इसलिए भगवान ने देखा कि इस जीव के पास ना तो साधन है और ना ही उम्र है। तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा करके अपना नाम संकीर्तन इस कलयुग का धर्म बनाया। भगवान ने बताया कि नाम और नामे में कोई भी भेद नहीं है, अगर हम नाम करें तो हम वही नामी यानी भगवान, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भगवान ने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग के जीव के सामने अगर मैंने शर्त रख दी ना कि तू एक जगह बैठ के करेगा हरिनाम, 10 मिनट बैठ, आधा घंटा बैठ, कलयुग के जीव के पास सबसे पहले एक्सक्यूज होंगे, ऑफिस कौन जाएगा, बच्चे कौन पालेगा, वहाँ कौन जाएगा, रिश्तेदारी कौन निभाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं है, तुम चलते फिरते बैठते उठते सोते खाते किसी भी तरह मेरा नाम लो, परंतु मैं तुम्हें इतनी छूट दे रहा हूँ तुम नाम तो लो। ये हमारा मंद भाग्य है कि इतने आसान उपाय होते हुए भी हमारी उसमें रुचि नहीं है, यही कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है। परंतु ऐसे में भी कभी कभी हमारे ऊपर कृपा करते हैं भगवान, और हमारे सामने ऐसे शुद्ध वैष्णव भेजते हैं जिनके संग से हमें हरि नाम संकीर्तन में रुचि आएगी। अगर हम किसी वैष्णव से कथा सुनेंगे तभी हमें हरि नाम संकीर्तन में रुचि आएगी, अन्यथा हम घर पे बैठे रहें, टीवी इतना सुनते रहें, और टीवी में रोज आप सुन ही रहे होंगे दिनों रात कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न रुतरी पारा, हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करो, कितनों ने माला शुरू करी हाथ उठा के बताओ, तो टीवी देख के कितनों ने माला शुरू करी, नहीं हो पाएगा। जब तक हम ऐसे शुद्ध वैष्णवों के पास नहीं आएंगे, उनकी कथाएं नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे हृदय में हरि नाम के प्रति रुचि नहीं जागेगी। क्यों? क्योंकि जैसा जो आचरण करता है ना, वही हृदय परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने रसगुल्ला खा रखा हो, वो आपको एक आके बताए रसगुल्ला सफ़ेद होता है, स्पॉन्जी होता है, मीठा होता है, सॉफ्ट होता है, और दूसरा जिसने खाया नहीं है, कहीं पढ़ लिया है, रसगुल्ला कैसा होता है, एक मीठा गोल सा चीज़ होती है, वो आपको आके बताए भैया एक रसगुल्ला की दुनिया में चीज़ है गोल और मीठा, और दूसरा बता रहा है वो स्वाद होता है, रसीला होता है, क्योंकि उसने खा रखा है। तो आपके हृदय में
किससे सुनने से लालसा जागेगी? जिसने खाया हुआ है वो आपको एग्जैक्ट ठीक से बता पाएगा। आपके हृदय में लालसा आ जाएगी, इच्छा आ जाएगी कि मैं भी वो रसगुल्ला खाऊं। वो ढूंढने लगोगे, उसके पास फिर जाओगे, भैया वो तुमने रसगुल्ला बताया था, जरा बताइए तो वो कौन सी दुकान पे मिलता है। फिर हम ढूंढ ढांड के फिर हम रसगुल्ला खा के ही मानेंगे। अगर हमने किसी ऐसे अनुभूति प्राप्त व्यक्ति से सुना है, और अगर हमने ऐसे किसी से सुन लिया तो ठीक है, जब कभी दिखेगा हम खा लेंगे, वो वाली बात आ जाएगी। तो इसी तरह आप, ये हमारा बहुत बहुत भाग्य है कि संजय प्रभु जी और ये रूपी दीदी, इन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था करी है। गर्मी है बाहर और यहाँ देखो इन्होंने कितनी ठंडक, बैठने के लिए नरम नरम ये सब बिछा के, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था में भी अगर हम अपना समय नहीं थोड़ा सा दे पा रहे तो हमारी ही गलती है और किसी का कुछ नहीं जाएगा। और दिन एक एक करके बहुत जल्दी बीत रहे हैं, आज 2 दिन जा चुके, सिर्फ 5 दिन रहे हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना, ये महाराज झोली है, अगर हम भी ऐसे महाराज जी से कथा नहीं सुनते तो ये महाराज झोली नहीं आ पाती। इसलिए कलयुग के द्वारा सुमिर सुमिर न उतर ही पा रहा, और नाम कैसा है, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्या में वांछा करते रघु जी की पसंद। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्री राधे। हाँ सब सब खड़े हो जाओ। बंदनाथ जी कल कथा सुनाना, ठीक है? हाँ सब कर। अरे प्रभु जी अभी बड़े सुंदर भजन गाएंगे, भजन में सब सब नाचना, ठीक है? जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। श्री राधे राधे हरे बोल हरे बोल हरे कृष्णा। श्री राधे राधे राधे। बोलो माता बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरे माता बिहारी की दीप छटा दीप छटा हरि जगत हरि कथम Thank you.
Yeah.
हरि बोल श्री राधे आरती 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 का आरती आरती ले आओ हरि बोल हरि बोल आरती आरती हरि बोल श्री राधे हरे कृष्णा। हाँ पीछे ग्रंथ है, हमारी वृंदा देवी ग्रंथ बेच रही है, आप लोग एक एक सबके सब ग्रंथ लेकर जाना। श्री राधे हरि हरि
Thank you.